अपडेट हम अपने दर्शकों को सबसे पहले पहुंचाते हैं जी राजस्थान के साथ। आप लगातार बने रहिए मुख्यमंत्री आवास पर। प्रभारी अजय माकन पहुंच चुके हैं, सीएम गहलोत के साथ चर्चा की जा रही है मंत्रियों के पोर्टफोलियोज को लेकर मंथन चल रहा है। इस वक्त चल रहा है। अजय माकन मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं, सीएम अशोक गहलोत के साथ चर्चा की जा रही है किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है, किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इस पर चर्चा मंथन लगातार की जा रहा है। एक बार फिर से बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर प्रभारी अजय माकन पहुंच चुके, सीएम गहलोत के साथ चर्चा की जा रही है और मंत्रियों के पोर्टफोलियोज को लेकर मंथन इस वक्त किया जा रहा है। सुशांत पारिक हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। सुशांत, क्या जानकारी, मन पसंद के विभाग भी मिल सकते हैं, जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, या फिर जैसे कि हमने पहले भी सुना तमाम इन्हीं के मुख से कि उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी आला कमान देगी उस जिम्मेदारी को तनदेही से निभाएंगे, क्या कुछ किसी की मन पसंद विभाग या फिर पद का भी ख्याल रखा जाएगा? सुशांत, आवाज आ रही है आप तक? एक बार फिर से बता दे कि नई टीम गहलोत की तैयार हो चुकी है। शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन इससे पहले मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। सुशांत, आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आवाज आ रही है। और अपडेट ये है, अजय माकन मुख्यमंत्री आवास से रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री से करीब 1.25 घंटा वो सीएम आवास पर रहे। इस दौरान सीएम से उनकी मुलाकात हुई। चरणजीत सिंह चन्नी जो है पंजाब के मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री आवास पर थे, उनसे मुलाकात हुई। विधानसभा स्पीकर जो है उनसे भी अभी अजय माकन मिले हैं। बीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण है शाम को, पोर्टफोलियो का खाका भी फाइनलाइज हो गया है और माना जा रहा है कि उसके तुरंत बाद विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन सबकी नजरें जो हैं अब इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या गृह विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे, वित्त विभाग की जिम्मेदारी क्या किसी और को देंगे, या फिर चिकित्सा और शिक्षा जैसे बड़े डिपार्टमेंट हैं जिससे पब्लिक डीलिंग सीधे तौर पे जुड़ी हुई है, वो किसके पास जाएंगे, राजस्व मंत्री कौन होगा, इन सब पर नजरें टिकी हुई है। पायलट कैंप को कौन कौन से विभाग दिए जाते हैं, क्योंकि मंत्री बनने के साथ साथ एक बड़ी जंग जो है इस बात को लेकर भी रहती है कि पोर्टफोलियो किसके पास क्या रहने वाला है, और उसी को लेकर फाइनल मंथन माकन का सीएम के साथ हो चुका है जी। पर किसी के साथ ये भी बताइए, क्योंकि क्या पसंद का भी ख्याल रखा जाएगा या फिर अपनी मर्जी से जो विभाग दिए जाएंगे मंत्रियों को? देखिए, मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो में कई चीजें जो हैं मद्देनजर रखी जाती हैं। अनुभव कितने हैं, पहले क्या डिपार्टमेंट में कामकाज उन्होंने किया है, खुद का बायोडाटा उनका क्या रहा है, किस विषय में उनकी दक्षता है, और साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस पे कितना भरोसा करते हैं, ये सारी चीजें हैं। क्योंकि पूरा अधिकार, पूरा राइट जो है वो सीएम के पास रहता है पोर्टफोलियो वितरण का, लिहाजा बात जो है वो उन्हीं की सुनी जाएगी। लेकिन प्रभारी के तौर पर अजय माकन की राय भी महत्वपूर्ण होगी, लेकिन चाहेंगे कि जिस तरीके से कोशिश की गई है एक मजबूत टीम बनाने की, उसी तरीके से पोर्टफोलियो में भी वही तस्वीर नजर आए। ठीक है, आप लगातार जुड़े रहिएगा, हम आपसे जानकारियां लेते रहेंगे, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल मंत्रियों के पोर्टफोलियोज को लेकर गहन चर्चा जो इस वक्त चल रही है मुख्यमंत्री आवास पर की जा रही है ये चर्चा, और पंजाब के सीएम भी वहां पर पहुंचे हैं। सीएम राजस्थान अशोक गहलोत वहां पर हैं और अजय माकन वहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार चर्चा की जा रही है। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं।